this philosophy, international philosophy. भगवान बुद्ध ये सुपर साइंटिस्ट है, उसको भगवान बुद्ध की जो जो प्रतिमा है पूरी दुनिया में कुछ अलग प्रतिमा है और इसमें उनका एक अलग भाव होना, क्योंकि अगर हमें विजन को स्प्रेड करना है तो हम क्या बताएंगे, अगर उसको वाले लेंगे तो हमारा जो जनरेशन है वो जनरेशन को हम क्या बताएंगे। इसलिए हमारा सामने इतना बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, बाबा साहब अम्बेडकर अगर धर्म स्वीकार करने के बाद कुछ कुछ लोग हमारे साथ रहते थे, 14 अक्टूबर 56 का बाबा साहब का निर्माण हो गया, सॉरी 14 अक्टूबर 56 बाबा साहब के धर्म का स्वीकार किया और 6 दिसंबर का बाबा साहब का परिनिर्माण हो गया, डेढ़ महीने के अंदर बाबा साहब चले गए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर कुछ भी डरते थे ये बुद्धिस्ट का भाव का जो मसला है ये हमारे सामने भी डर था, और इसलिए आज हमें बाबा साहब का जो आगे का काम है जो धर्म बाबा साहब ने किया, लेकिन धर्म का काम बाबा साहब नहीं बना चुके हैं, और इसलिए वो काम बनाने के लिए हमें अभी लड़ना है। और ये लड़ाई अभी 15 राज्य से 15 स्टेट में ये लड़ाई हो चुकी है, ये हमें सरकार को आपके माध्यम से बताना है। अभी नागपुर में हमें जो प्रोग्राम है 12 महीनों का, जो संसद भी 12 नागपुर में जो उसका सेंट्रल ऑफिस है, वहाँ 15 राज्य से लोग आ चुके हैं, और सब लोगों का यही कहना है कि वी वांट टू बी स्ट्रॉन्ग एज दैट टू अदर थिंग्स एज दैट टू अदर धर्म, ये हमारा हमारा फंडल राइट, और ये राइट को हासिल करने के लिए ये हमने 12 महीनों का जो हमने संसद में उसमें निर्णय पक्का किया, और कल हमने पुलिस शासन ने हमारा रिक्वेस्ट किया, हमारा निवेदन दिया आपको, हमने सब मंत्री दिया है उसमें निवेदन भी है, साथ में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी है, साथ में जो कमीशन का जो रिकमेंडेशन वो भी आपको पता है, और जो हमको 12-24 दिसंबर का जो लॉ मिनिस्ट्री को लेटर लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वो भी हम पता है, 24-12 को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर है 24-12 प्राइम मिनिस्टर एक ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने लॉ मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि इनके बारे में क्या क्या होना है, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दो, यानी 24-12 को भी एक साल होगा, एक साल के बाद भी लॉ मिनिस्टर से कुछ भी उसका कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि ये डेमोक्रेसी में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा देखेंगे इस गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक पावर ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट गवर्नमेंट जा सकती है। एक साल के बाद एक साल होने के बाद भी अगर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का लेटर का अगर कॉन्फिडेंस कोई नहीं लेता है तो डिपार्टमेंट उसको हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, और इसलिए हम आपसे प्रेस के माध्यम से आपसे करते हैं कि ये हमारा एक इशू है, एक सेंसिटिव इशू है, एक हमारा रिलीजियस इशू है, जो इशू को हमें आगे लेके चलना है, इसमें आपका अगर हमें साथ मिलता है तो डेफिनेटली ये इशू एक साल के अंदर हम तो चाहते हैं अभी 2-3 महीने के अंदर तो सरकारी कमेटी फॉर्म करना चाहिए, और सरकारी कमेटी फॉर्म करके हमको इन्वाइट करना चाहिए, जैसा अन्ना हजारे जी की जो कमेटी की डिमांड की थी लोकपाल के टाइम में, वो कमेटी के जो बुद्धि उनका जो कमेटी का जो बिल वो बिल में बिल कलर बिल की जो कमेटी फॉर्म हो चुकी थी उसमें अन्ना हजारे के भी लोग थे और सरकार के भी लोग थे, वैसा हमारे पास भी हमारा बिल तैयार है, हमारा भी जो बिल है बुद्धिस्ट लॉ बिल हमने तैयार कर चुके हैं, हम चाहते सरकार से हमें लिखा भी है वो है ऑलरेडी प्रिपेयर द बिल फॉर बुद्धिस्ट लॉ और द बिल, तो वो कमेटी फॉर्म करे सरकार, वो कमेटी के कमेटी में हमारे भी दो लोग रहे और सरकार के भी लोग रहे, और वो कमिश्नर का जो जो बिल फाइनलाइज होगा वो बिल अगर सरकार मंजूर करता है तो 3 महीने के अंदर अगर बात चालू होती है बहुत अच्छी बात होती है, नहीं होती है तो सरकार को हम कंपेल करेंगे, सरकार को हम मजबूर करेंगे, क्योंकि ये राज्य ये जो देश है ये देश संविधान से देश चलता है, संवैधानिक अधिकार मानना या छीनना ये हमारा अधिकार है, यहाँ बात 24 और 25 दिन के बहुत बड़ा अनुभव रहने वाला है बात बताएंगे, तो इसलिए मैं ये जो बात आपको कुछ इसमें अगर कुछ आपको लगता है कुछ आपके दिल में दिमाग में कुछ क्वेश्चन राइट हुए होंगे या आपको लगता है कि कुछ मांग है रिलेवेंट है कि रिलेवेंट है कि नहीं है कैसे क्या है आप पूछ सकते हैं चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। एक तरफ हम आंगन से भी ऊपर की वकालत करते हैं, हाँ, दूसरी तरफ हर महीजन के लिए अगर हर धर्म के लिए जैसे बौद्ध के लिए अलग का जैन के लिए अलग, तो
ये कुछ कंट्रोवर्सी इस पर रखते नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ बरोबर आप तो बोल रहे हैं कि अगर अगर समझो सरकार जो जो धर्म के पर्सनल लॉ है अगर वो पहले डिजॉल्व करती है, कॉमन सिविल कोड करना है तो पहले लॉ जो बन चुके हैं उसको डिजॉल्व करना है। अगर सरकार ने अगर इतनी हिम्मत है कि उनके लॉ डिजॉल्व कर सकते इस प्रकार तो हम लॉ नहीं मानेंगे, हमें हमारे हमें कोई लॉ नहीं कर सकती, हम कॉमन सिविल कोड पे आ जाएंगे। फिर अब तो हमें सॉन्ग कॉमन सिविल कोड भी नहीं है, बुद्धिस्ट लॉ भी नहीं है हमारा, ऐसा कोई बोल रहा है। अगर सरकार अगर चाहती है कि ठीक है आप कॉमन सिविल कोड सबके लिए गुना बना दे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन उसके लिए पहला पहला क्या है आपने सरकार का कि ऑल द पर्सनल लॉज ऑफ ऑल रिलीजन शुड बी डिसॉल्व एट वंस। अभी पहले वो डिसॉल्व करना पड़ेगा तभी वो कॉमन सिविल कोड लॉ करेगा, देगा ये लॉ रहेगा वो रहेगा सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये लॉ पहले ये लॉ बन चुका है इसको कौन सा सेंसिटिव है, तो वो लॉ सिविल कोड का जो लॉ है लेकिन वो लॉ कौन सुप्रीम कोर्ट पे अलाउड है करेगा, क्योंकि ये जो लॉ बन चुके हैं ना तो इसको तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है ना अंडर 25 को कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्शन मिल चुका है तो वो तो लॉ पहले सरकार को डिस्कस करना पड़ेगा आपको स्वीकार कर सकेंगे। अगर किसी का लॉयर नहीं रहेगा तो दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द बुद्धिस्ट, बोले ना अगर लॉयर नहीं किसका रहेगा तो आप डिस्क्रिम नहीं होगी, लेकिन आज की पोजीशन में शिकला बन चुका ना शिकला की पक्ष बन चुका भी अगर कॉमन सिविल कोड जो बताया जाता जो है वो बुद्धिस्ट कोड जो सेक्शन में होता है वो तो 1950 में होता है, तो 1950 में कॉमन सिविल कोड बन चुका था ना जो आर्य प्रोटोकॉल में आया तो 55 हिंदू को हिंदू लॉ बन चुका 2012 में शिकला बन चुका। तो ये जो मसला आया ना अगर आप जो बोल रहे हैं आप सब सब सामान आप आम ऐसा कोई ये नहीं चाहते कि भाई देश में धार्मिक कंफ्लिक्ट होना चाहिए, दिस इज नॉट अवर एजेंडा। हम तो अभी आज चाहते हैं कि अगर आज हमारा जो हमारा पॉइंट क्या हो रहा है, 1982 में बुद्धिस्ट मैरिज को हाईकोर्ट ने क्या क्या लीगल बताया हाईकोर्ट ने, यानी कैसे निकल बताया है एक उदाहरण बताता है आपको, बुद्धिस्ट जो है कि मैरिज होने के बाद तो एक उसके वाहिक ने उस पर क्या बोलते हैं कोर्ट किया केस काउंटी का एक्ट बोलते ना सेक्शन 125 जो है ना सेम इसमें काउंटी बुद्धिस्ट का नहीं काउंटी लेते ना पैर क्या मतलब बात कुछ हो हाँ कोई धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है,
बाबा साहब ने धर्म स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने कोई धर्म धर्म को बाबा साहब ने कुछ नहीं दिया। लेकिन बात जो कानून की आती है, जो कानून से अगर हमको झगड़ना जरूरी है, अगर कानून है ना, हाईकोर्ट में तो कानून बता देंगे। अब महाबुद्धि विहार सब तो दुनिया में बहुत महाबुद्धि किसका है, तो बहुत लोग का है जिनको उस मैनेजमेंट बहुत थे क्या पूरी दुनिया को वाले विश्व प्रसिद्ध है महाबुद्धि विहार। लेकिन उसका मैनेजमेंट में आज कौन है, उसका अध्यक्ष कौन है, कलेक्टर है, स्टेट गवर्नमेंट होगी महाबुद्धि।